एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं बनाऊंगी एक मैक्रमे कोस्टर। काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी मैक्रमे प्रोडक्ट नहीं बनाया था, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वेरी सिंपल कोस्टर। जो भी आपका लेफ्ट ओवर कॉर्ड्स है, इनको यूटिलाइज करने का ये बेस्ट तरीका है। सो फाइनली मैंने चूज़ किया ये प्यारा सा ब्राउन कलर। ये 5 mm साइज़ का सिंगल स्ट्रैंड कॉर्ड है। आपको इजीली ये वाला कॉर्ड कोई भी क्राफ्ट स्टोर या अमेज़ॉन में मिल सकता है। अब मेजरिंग टेप की मदद से मैं कट करूंगी 60 सेंटीमीटर्स का टोटल 8 कॉर्ड्स। अभी हमें ये 8 कॉर्ड्स को अटैच करना है। आप कोई भी स्टिक या हैंगर यूज़ कर सकते हो। अटैच करने के लिए आपको यूज़ करना है लार्क्स हेड नॉट। उसके लिए आपको एक सिंगल कॉर्ड लेके इसको ऐसे इक्वली फोल्ड करना है। अब ये जो जॉइंट पोर्शन है, उसको आपके स्टिक पे ऐसे रैप करना है, और ये जो दोनों एंड्स को रैप्ड वाले पोर्शन में से पास करना है, जस्ट लाइक दिस, और आपका कॉर्ड आपके स्टिक पे अटैच हो जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं बाकी का जो 7 कॉर्ड्स है उनको भी अटैच कर लूँगी। आफ्टर अटैचिंग ऑल द कॉर्ड्स, या तो आपको हैंगर को कहीं पे हैंग करना है, नहीं तो स्टिक को अच्छे से सिक्योर करना है, ताकि जो मेकिंग प्रोसेस है उसमें आपको एक अच्छा सा ग्रिप मिले। मुझे पर्सनली हैंगर यूज़ करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसको कहीं भी हैंग कर सकती हूँ अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। हैंग करने के बाद आपके पास एक टाइट ग्रिप होगा, जो कि फ्लैट सरफेस में थोड़ा कम मिलता है। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने कोई भी कॉर्ड्स कट नहीं किए हैं। इनफैक्ट ये जो पूरा रोल है, मैं उसे ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। सो इससे आपके कॉर्ड्स भी काफ़ी सेफ हो जाते हैं, और आपको रॉन्ग मेजरमेंट्स का भी डर नहीं होता है। सो ये कॉर्ड को मैं राइट साइड में ऐसे अटैच कर लूँगी। कोई भी सिंपल नॉट आप यूज़ कर सकते हो, जस्ट डू नॉट मेक इट टू टाइट, क्योंकि बाद में इसे आपको खोलना भी है। पहले साइड के 2 कॉर्ड्स को ऐसे अलग करना है, देन हमारा ये जो वर्किंग कॉर्ड है इसे एक लूप बनाना है, वेरी सिंपल लूप। अभी ये दोनों कॉर्ड्स को इस लूप से बाहर निकलना है, देन लूप को ऐसे टाइट करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए भी आपको फिर से एक बार लूप बनाना है सेम वे में, और एक बार फिर से कॉर्ड्स को उस लूप के बीच में से पास करना है। मेक श्योर जो आपका वर्किंग कॉर्ड है वो लेफ्ट साइड में होगा। सो यही है आपका बेसिक नॉट फॉर द होल कोस्टर। आपको सेम नॉट को रिपीट करते जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से 2 कॉर्ड्स ऐड करना है एंड सेम नॉट को रिपीट करना है। सो इस नॉट को बोलते हैं डबल हिच नॉट। इसे बनाने का और भी तरीका है, लेकिन आई फील दिस इज द ईजीएस्ट वे। जस्ट मेक श्योर आपके नॉट्स टाइट है, ताकि बीच में कोई भी गैप ना रहे, और इसी तरह आपको सेम नॉट को रिपीट करके फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद कॉर्ड का थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के और कॉर्ड को कट कर देना है। अब हमारा फर्स्ट रो हो गया है कंप्लीट।
सेकंड या थर्ड जितने भी रो आपको कंटिन्यू करना है, सेम प्रोसेस बस रिपीट करना है। अगेन टाई द कॉर्ड ऑन वन साइड एंड स्टार्ट मेकिंग डबल हिच नॉट्स। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 रोज बनाए हैं। यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हैंगर से हमारे कोस्टर को अलग करना है। उसके लिए आपको सिंपली ये जो सबसे पहला वाला रो है उसे कट कर देना है कुछ इस तरह। आपका कोस्टर हैंगर से बाहर आ जाएगा और अब आपको बहुत ही अच्छे से कॉर्ड्स को ब्रश करना है। आप कॉर्ड्स को जितने ज़्यादा ब्रश करोगे उतना ये फ्लफी दिखेगा और उतना ही ज़्यादा स्मूथ फिनिशिंग होगा। और एक इक्वल डिस्टेंस में आपके फोर साइड्स को ऐसे कट कर देना। सो आफ्टर एवरीथिंग आपका कोस्टर दिखेगा कुछ इस तरह। ये कोस्टर बहुत ही क्लासी लगता है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू अगेन ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।